भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत को कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सत्ता पक्ष जब सत्ता पर काबिज होता है तो विपक्ष निशाना साधता है, तंज कसता है कि विकास नहीं हुआ है और विश्वास भी नहीं बचा है। लेकिन जम्मू से आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, जब राष्ट्र की बात आती है, जब देश की बात आती है, तो किस तरह से यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल जो एक साथ होते हैं। ये एक अद्भुत नज़ारा देख रहे हैं कि एक तरफ भाजपा, एक तरफ कांग्रेस, आज राष्ट्र भावना देखने को मिल रहा है। कैसा लग रहा है? जम्मू कश्मीर सचमुच में 370 के बाद स्वर्ग बन चुका है। ये स्वर्ग बन चुका है 370 के बाद, और यहाँ पर आप लोगों को ऐसे ही नज़ारे मिलेंगे। सब राष्ट्रवाद की एक धारा में बह चुके हैं। आज जो दिन है, आज वास्तव में आज आज़ादी का दिन है। आज चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, चाहे कोई भी मजहब जाति का व्यक्ति है, वो एक ही बात कर रहा है, भारत माता की जय, तिरंगे की जय। पीडीपी के कार्यालय में यहाँ पर झंडा चढ़ाया गया, राष्ट्र ध्वज चढ़ाया गया। एक मांग है उनकी कि मैडम महबूबा मुफ्ती को रिहा कर दीजिए, और साथ ही साथ कह रहे कि जिस तरह से आप विकास दे रहे हैं, हमें पच नहीं रहा है, तो 370 ही वापस कर दीजिए। 370 वापस लेके क्या करेंगे? दोबारा आतंकवाद करेंगे, दोबारा लूटेंगे, दोबारा ये लोग आग लगाएंगे, दोबारा परिवारवाद की राजनीति करेंगे, वो तो होनी नहीं। बाकी जिन्होंने जो कुछ किया है उस ढंग से, सिक्योरिटी वालों का काम है कब किसको छोड़ना है, कब किसी को पकड़ना है। रिहा कब करेंगे मैडम? सिक्योरिटी वालों का काम है, आपका नहीं है, केंद्र का नहीं है। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे व्यक्तित्व को, हमारे नेता को, उन्होंने अंदर कर कर उनको जहर दे के मारा हुआ है, कत्ल किया है उन लोगों ने। अगर आज अंदर बैठ कर गुस्साबे उनको मिल रहे हैं, उनको खाने चाहिए चुपचाप, ना कि देश की बर्बादी करनी चाहिए। बदले की राजनीति है, मैंने कहा गुस्साबे दे रहे हैं उनको, उनको गुस्साबे भी खानी चाहिए, और इस देश के विकास के लिए अगर आज कोई कदम उठाए जा रहे हैं, उनमें बाधा नहीं बनना चाहिए। साफ तौर पर देश के विकास के लिए अगर कोई कदम उठाए जा रहे हैं तो बाधा नहीं बननी चाहिए। आपको अद्भुत तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये दृश्य अमूमन देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के तमाम नेता और एक तरफ भाजपा के तमाम नेता, और दिल में यही है कि आज स्वतंत्रता मिली थी अंग्रेजों के चंगुल से, आज स्वतंत्रता मिली थी उस गुलामी की सोच से जो अत्याचार करती रही, जिसके लिए तमाम जवानों ने यहाँ पर शहादत भी दी। देखिए यहाँ पर कांग्रेस के नेता थे, उस तरफ भाजपा के थे, एक तरफ सत्ता पक्ष है, एक तरफ विपक्ष है। संसद में हम देखते हैं कटाक्ष होते हैं, लेकिन आज अद्भुत नज़ारा देखने को मिला है। भाई सब कुछ होता है, क्योंकि ये भारत है, यहाँ पर कटाक्ष भी होंगे, तंज भी होंगे, निशाना भी साधा जाएगा, लेकिन जब देश आगे आएगा तो सब कुछ हम भूल जाएंगे। यहाँ पर राजनीति नहीं, हमारा देश आगे जाना चाहिए। इसी के साथ फिर जर्नलिस्ट राहुल के साथ मैं रूहानी आपसे बता लेता हूँ।